नमस्कार। कक्षा 5 हिंदी में आज हम लेखन विभाग में चित्र वर्णन करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि चित्र के आधार पर 8-10 वाक्य लिखिए, अथवा आपको चित्र दिया गया हो और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएं तो वो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो चित्र का जो सबसे पहले तो हमें बहुत ध्यान से यानी कि सूक्ष्मता से अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन करना यानी ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपको चित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाएं तो प्रश्न को समझकर और चित्र को देखकर उचित उत्तर देना चाहिए। प्रश्न के उत्तर का सीधा संबंध चित्रों से ही होना चाहिए। चित्र में जो जो दिया गया हो उसी के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और चित्र पाठ का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की अवलोकन शक्ति की क्षमता को विकसित करना है। तो इससे क्या होता है, विद्यार्थियों की जो अवलोकन शक्ति है उसका विकास होता है। वो छोटे से छोटी बात कितनी ध्यान से देखता है और उसका वर्णन किस प्रकार से करता है, इस चित्र के आधार पर आप जो वाक्य लिखेंगे उसके ऊपर बच्चे का जो मानसिक विकास है वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम चित्र के आधार पर 8-10 वाक्य देख लेते। तो यह एक शहर के बगीचे का चित्र है। इसमें प्रवेश द्वार के पास दो लड़के बेंच पर बैठे हैं। तो प्रवेश द्वार यानी कि बगीचे के अंदर जाने के लिए हमें जो दरवाजा दिया जाता है, गेट होता है, गेट के अंदर जाकर हम बगीचे के अंदर जाते हैं। गेट में से गुजरकर बगीचे के अंदर जाते हैं तो उसे प्रवेश द्वार कहते हैं। और उस प्रवेश द्वार के पास में ही चित्र में देखिए कि पास में ही एक बेंच है, बेंच पर दो लड़के बैठे हैं। इसी प्रकार बगीचे में नाग का पुतला है, तो ये दिखाई दे रहा है कि बीचों बीच नाग का पुतला स्टेच्यू, उसे स्टेच्यू भी कहते हैं, तो नाग का पुतला है। बगीचे में तरह तरह के पौधे हैं, पौधे यानी कि छोड़ गुजराती में कहते हैं। इसी प्रकार पौधे पर रंग बिरंगे फूल लगे हैं। लड़का और लड़की उचक नीचक पर बैठे हैं। यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो चित्र को कि लड़का और लड़की उचक नीचक पर बैठे हुए हैं। उसके बाद है बगीचे के पास रास्ता यानी कि सड़क है। तो फिर से चित्र को देखिए, बगीचे के पास ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है और रास्ते में कई यातायात के साधन भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार बगीचे में दो बड़े पेड़ हैं। सड़क पर एक कार और दो स्कूटर वाले स्कूटर ले जा रहे हैं। आकाश में वायुयान और हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आते हैं। विमान, वायुयान यानी विमान और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार रेल पटरी पर एक गाड़ी है और चित्र में एक कपड़े की मिल दिखाई दे रही है। फिर से इस चित्र को देखें कि रेल की पटरी पर ट्रेन कहते हैं, ट्रेन दिखाई गुजर रही है और पास में ये खंभा है जो मिल का धुआं बाहर निकलता है, तो उसी प्रकार ये खंभा दिखाई दे रहा है, वो मिल है। तो इसी प्रकार दिए गए चित्र का वर्णन आपको करना है। अब दूसरा चित्र देखते हैं, इसके आधार पर भी हमें चित्र को देखकर उसका वर्णन करना है। चित्र में सूरज निकलता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सूरज है, वो सुबह सुबह सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, इसी प्रकार हमें इसका वर्णन करना है। आकाश में 7 पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार 7 पक्षी दिखाई दे रहे हैं, चरवाहा गायों को चरा रहा है। देखिए चित्र को ध्यान से देखते जाइए और उसका वर्णन करते जाइए। चरवाहे के हाथ में लाठी है, तो रास्ते पर जो चरवाहा दिखाई दे रहा है उसके हाथ में लाठी दिखाई दे रही है। और दूसरा जो गायों के पास है वो भी चरवाहा है और वो उसके हाथ में भी लाठी दिखाई दे रही है, लाठी यानी लकड़ी। चलते आदमी के कंधे पर लंबी लाठी है। रास्ते पर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि चलते हुए आदमी के पास भी एक लाठी है। चित्र में 5 घर है, मंदिर पर
ध्वजा फहरा रही है। मंदिर के नजदीक दो नारियल के पेड़ हैं। चित्र में दो लड़कियां हैं, चित्र में एक लड़का है, लड़का तथा लड़कियां खेलते हैं और लड़की के आगे तितली है, तितली उड़ रही है। तो इसी प्रकार चित्र को ध्यान से देखकर हमें इसका वर्णन करना है।